आते ही बदल गए नीतीश के मिजाज। तेजस्वी यादव के लिए कह दी ऐसी बात, भड़क सकते हैं लालू के लाल। नीतीश ने तेजस्वी पर जबरन क्रेडिट लेने का आरोप लगा दिया। क्या आरजेडी से 17 महीने पुराने रिश्ते को नीतीश ने भुला दिया? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जो अभी कुछ दिन पहले तक मोदी के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन के सर्वे सर्वा बने घूम रहे थे, उन्होंने गठबंधन क्या बिहार के अपने महागठबंधन को ही झटका दे दिया और आरजेडी के साथ 17 महीने तक सरकार चलाने के बाद फिर एक बार बीजेपी का साथ पकड़ लिया। इस बीच में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव को बहुत होप दिया, ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तो तेजस्वी यादव ही होंगे। आप लोग तो इतना कर ही दिया है कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी, तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। देखा आपने कितना भरोसा था नीतीश कुमार को अपने तेजस्वी यादव पर। ये बात बहुत पुरानी नहीं है, दिसंबर 2022 की ही, लेकिन 2024 आते आते देखिए माहौल बदल गया है। नीतीश कुमार फिर एक बार आरजेडी को किनारे कर बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं, एनडीए का हिस्सा बन गए हैं और अब उन्हीं तेजस्वी यादव को बच्चा बता रहे हैं, जिन पर उन्हें आगे भी काम करवाते रहने का भरोसा था। 17 महीने चली गठबंधन की सरकार के दौरान जातीय गणना, शिक्षा बहाली जैसे काम को लेकर आरजेडी के विज्ञापन में तेजस्वी यादव को धन्यवाद कहने पर भड़क गए हैं नीतीश कुमार। कहने लगे कि उनकी नीतियों और सरकार के काम का आरजेडी जबरन क्रेडिट ले रही है। फिर तेजस्वी को बच्चा बताते हुए नीतीश कुमार ने पूछा है, उनको क्या पता है? सुनिए क्या कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऐसा फालतू बात है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से? अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। आइलों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। आज जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो, लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया? देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। आ कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? एक महीना में कुल मिला करके 29, और अब कितना होता है, कितना हजार एक होता है? तो ये सब का कुछ था, कुछ काम था। आइए, पूरा सड़क था कहीं? हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाकवा में, पैदल न चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाकवा में जाते थे तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है? मतलब नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि आरजेडी ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है 2005-6 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने ही किया है। लेकिन उनकी इन बातों से लगता है जैसे बिहार की जनता ही सहमत नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग नीतीश कुमार की बात पर विशेष टिप्पणी कर रहे हैं। चेतन कुमार कहते हैं, सही कहा नीतीश कुमार जी ने, हम लोग बच्चे हैं। हम लोगों ने लालू का राज नहीं देखा है, लेकिन हमने नीतीश कुमार का शासन देखा है। हमने देखा है कि 15 साल के शासन के बाद भी बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है। नीतीश हमेशा अतीत का डर दिखाकर वोट मांगते हैं। रणजीत रॉय नाम के यूजर ने लिखा, ये सब डायलॉग से अब बिहार की जनता को कोई लेना देना नहीं। बिहार की जनता को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए। अब इनकी राजनीति को पिंडदान कर दिया जाएगा। ये आदमी गिरगिट को भी फेल कर दिया रंग बदलने। विजय प्रकाश सिंह यादव ने लिखा, आपसे ज्यादा झूठा कोई नहीं है। आप तो कभी बीजेपी को कोसते हैं, कभी आरजेडी को। आप बीजेपी से आरजेडी में क्यों आए थे? कुमार अभिजीत नाम के यूजर ने लिखा, 20 साल से आदमी एक ही चप्पल पहनकर घूम रहा है। इनके शासनकाल में जो बच्चा जन्मा होगा वो भी 19 साल का हो गया होगा। तो कुछ इस तरह से लोगों ने तेजस्वी को बच्चा कहने वाले नीतीश कुमार की ही क्लास लगा दी। वहीं राहुल गांधी पर भी नीतीश कुमार खूब बरसे हैं। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने उनकी सलाह पर ही जातीय जनगणना कराई, इस पर नीतीश झुंझला गए और कहा कि आप सोच रहे हैं।
इससे फालतू बात कोई है क्या? मैंने 9 पार्टियों को साथ बिठाकर जातीय गणना करवाई। मैं 2019 से ही हर जगह ये बात करता रहा हूँ। आगे सुनिए राहुल गांधी को कैसे सुना रहे हैं नीतीश कुमार। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं? आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, नवाज 19 में और 20 में पूरे असेंबली में काउंसिल में सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा तो वो तो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे, ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं, कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा 7 निश्चय 2 मैंने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे, कोई अपना क्लेम करता है। तो देखा आपने, नीतीश कुमार को देखकर साफ कहा जा सकता है कि वो क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बिहार में किए गए किसी भी काम का श्रेय वो किसी और को किसी भी हाल में नहीं देंगे। उनके हिसाब से उन्होंने 2005-06 से बिहार को संभाला है और जहाँ तक बात है जातीय जनगणना की तो वो भी उन्होंने ही करवाई। आगे जब इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने तो इस गठबंधन से किसी तरह का नाता होने से ही इनकार कर दिया। कह दिया कि हमको उससे क्या मतलब, हम तो नाम भी उनको दूसरा रखने को बोल रहे थे, वो लोग अपने से कर लिया, बाद में हालत देख लिए, हम इतना कोशिश किए लेकिन इन लोगों ने एक काम नहीं किया। मतलब अब नीतीश कुमार बिहार और इंडी गठबंधन के अपने पुराने साथियों के खिलाफ फुल फॉर्म में बैटिंग करने के लिए मैदान में कूद पड़े। उनके हिसाब से वो तो सिर्फ बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। वैसे इस सब में जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बच्चा कह गए हैं, इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करें जरूर बताएं। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं? आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, नवाज 19 में और 20 में पूरे असेंबली में काउंसिल में सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए